Not bad, not bad. Now you. Bye, hacker. सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसा है किमचू, क्या हाल चाल आप लोगों के। हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कंग्रेचुलेशन। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर कि आज आप लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा डेंजरस मूवमेंट के बारे में, जो कि है निंजा मूवमेंट। अभी आप लोगों में से बहुत से लोग सुनने के बाद अभी इसको पहचान ही नहीं पाए होंगे कि ये है कौन सी मूवमेंट, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों ने M1NX का नाम तो सुना ही होगा। ये बांग्लादेश सर्वर का बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग प्लेयर है अभी के टाइम का, और साथ ही साथ ये गॉड ऑफ मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों ने साथ ही साथ इस वीडियो को भी जरूर देखा होगा जो इसने ही पब्लिश की है। धूम चिच धूम चिच। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो आप लोग देख सकते हो कि M1NX भाई कुछ तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट इसमें कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, यही है निंजा मूवमेंट, जो कि काफी ज्यादा रेयर बंदों को पता है, और बहुत से लोग अभी भी इसकी तलाश में है कि इसको करना कैसे है, पता चल जाए बस। तो वैसे तो आप लोगों को मूवमेंट के रिलेटेड लाखों वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन ये वीडियो उन सब वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक लेवल पे काफी ज्यादा सीक्रेट मूवमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत से लोगों को पता भी है तो वो लोग बताना नहीं चाहते। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। So, इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस मूवमेंट का ब्रेकडाउन दे दूं, मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि इस मूवमेंट में ऐसा क्या खास है जो इस मूवमेंट की इतनी डिमांड बढ़ा रही है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मूवमेंट काफी ज्यादा डेंजरस दिखती है, फिर चाहे आप लोग बात करो ऑब्जर्वेशन मोड से, फिर चाहे आप लोग अपने स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, चाहे एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों ना बात करो, ये काफी ज्यादा 360 सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस लेवल पे देता है। या, या। तो जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने इतने सारे प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स किए कि मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया, और इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ कि मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक्यूरेसी टिप्स और मूवमेंट ट्रिक्स को ब्रेकडाउन करते ही रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना, वरना आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस मूवमेंट को करना कैसे है। तो इस मूवमेंट को करना कुछ ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कुछ अपनी बेसिक सेटिंग्स कर लेनी है। तो बेसिक सेटिंग्स से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को अपना सेंसी छेड़ना होगा। तो सेंसी छेड़ने में मैं आप लोगों को कुछ अपने हिसाब से सेंसी बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग 2 GB से लेकर 4 GB रैम वाले हो तो आप लोगों को अपना सेंसी ऑलमोस्ट मैक्स कर लेना है, और अगर आप लोग 6 GB से 8 GB रैम वाले हो तो आप लोगों को अपना सेंसी 150+ रखना है। और अगर बात करें आईफोन वाले सेंसी की तो मुझे नहीं पता, अरे और आईफोन मेरे पास है ही नहीं, और ना ही मेरे पास 6 GB रैम प्लस से कोई भी फोन है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं आईफोन की सेंसिटिविटी के बारे में, तो आप लोग 40 या 50 के आसपास रख सकते हो, ताकि आप लोगों का कैरेक्टर 180 डिग्री घूम जाए और अपना फेस दिखा सके, वो भी बैक से। मतलब समझ रहे हो, आप लोगों को बैक से डायरेक्टली आप लोगों का फेस दिखना चाहिए फ्रेम के अंदर, और बस आप लोगों का इतना सेंसी हो जाएगा तो आप लोगों का आधा काम वैसे ही हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है, और ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद आप लोगों को अपने स्क्रीन को पूरी तरह से जिगजैग करना है, लाइक आप लोगों को लेफ्ट राइट आप लोगों को पूरा का पूरा घसीटना है रनिंग पे लेके, लाइक आप लोगों का जितना भी स्क्रीन राइट से स्टार्ट होता है तो आप लोग लेफ्ट जिगजैग में इसको पूरी तरह से स्क्रीन को पूरा यूज करो, और उसके बाद आप लोग सेम राइट में भी करो, और इसी चीज को आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत धीरे धीरे करना है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत फास्ट करना है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा फास्ट नहीं करना है, आप लोगों को मिडल में फास्ट करना है, लाइक आप लोग अपने कैरेक्टर को बस 180 दिखा सको रनिंग से। तो बस आप लोगों को इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना है, लाइक आप लोगों को 1-2 दिन प्रैक्टिस करनी है इसकी थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप लोग इसमें थोड़ा बहुत प्रोफेशनल हो जाओगे, और अगर आप लोग इस निंजा मूवमेंट में प्रोफेशनल हो जाते हो तो आप लोगों का बचा 50% काम भी ऐसे ही हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, विल मीट इन दिस काइंड ऑफ अनदर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।